और उसको जेल भिजवा दिया गया। और जब वो जेल से छुट के आया तो मैंने एक वीडियो भी बनाई उसके साथ कि ऐसा ना करें अपने कैरियर के साथ। जो बच्चा भटकता है ना उसका सिलेक्शन रुकता है, क्योंकि ऐसा होता है कि 27 अगस्त को फॉर्म आएंगे, जुलाई तक बच्चा यही भटक रहा है कि मुझे, मैं यहां से पढ़ूं या वहां से पढ़ूं। तो वो जो भटकाव होगा वो बहुत बहुत दिक्कत देगा बच्चों, क्योंकि आपने वो समय खराब कर दिया जिस समय में सिलेक्शन होना चाहिए। उस समय तक तो ये डिसाइड हो जाना चाहिए, 27 अगस्त को जब फॉर्म आए तो आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए और आप रिवीजन की स्टेज में हो। तो आप ये उम्मीद करना कि 2025 में तब आप सिलेक्शन ले पाओगे, और अगर आप 27 अगस्त से ही तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं तो फिर आप ये मान लो कि 2025 वाली में तो नहीं होगा आपका, चाहे 26 वाली में हो जाए, ठीक है। चलो अब मैं, ये एक स्पेशल रिक्वेस्ट भी है और मैं चेतावनी भी दे रहा हूँ इसको, कि अदर स्टेट का डोमिसाइल बनाकर, ये स्पेशली 2024 वाले बच्चों को बोल रहा हूँ कि जो अब ये काम करेंगे या करवा रहे होंगे, कि भाई आप ना जैसे वेस्ट बंगाल की कट ऑफ जाती है मान लीजिए 160 में से 80 पे, अब यूपी की कट ऑफ जाती है 160 में से मान लीजिए 135 पे, अब 135, अब बच्चा आएगा यार मेरे तो ज़्यादा ज़्यादा 120-125 आ सकते हैं, तो वो उल्टा दिमाग शुरू करने देता है चलाना। वो चाहता है कि मैं यूपी का हूँ, मैं डोमिसाइल बनवा लेता हूँ वेस्ट बंगाल का, और वेस्ट बंगाल का बन जाता हूँ। फर्जी डोमिसाइल ये जुगाड़ करके उसने डोमिसाइल बनवाया, और बच्चों पिछली बार ऐसे बच्चों की रीवेरिफिकेशन हुई, पिछली बार की बात कर रहा हूँ मैं, और उन बच्चों को ट्रेनिंग से भी वापस बुलाया गया, और वापस बुलाकर कुछ को तो जेल में भी डाला गया। करियर ही तबाह, वो कभी अब एग्जाम सरकारी नौकरी का नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी गलती ना करें, अपने स्टेट के हो जिसके उसी से फॉर्म भरो, क्योंकि अगर आप बंगाल से भर रहे हो तो वो आपको पकड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। भाई आपको बंगाली नहीं आती उतनी अच्छी, आपके शरीर की बनावट से पता लग जाता है कि आप बंगाली नहीं हो सकते, है ना, आप असम के नहीं हो सकते। तो इन चीज़ों पे प्लीज़ ऐसे फर्जीवाड़े में ना फंसें, क्योंकि एक बच्चा आया था पिछली बार जिसको जेल हुई थी, वो यहीं का था बुलंदशहर का, और उसने असम का डॉक्यूमेंट्स बनवा लिया था और उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यहीं हुई, लेकिन लोग असम के आए हुए थे चेक करने, तो वो पकड़ा गया एक बार में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे और उसको जेल भिजवा दिया गया। और जब वो जेल से छुट के आया तो मैंने एक वीडियो भी बनाई उसके साथ कि ऐसा ना करें अपने कैरियर के साथ। हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट टॉक आर्डर। दोस्तों जैसा कि अंकित भाई सर ने अभी बताया, जैसे कि शुरू में बताया जाता है कि आपको भटकना नहीं है, समय होते ही आपको ये जान लेना चाहिए अगर आप एक स्टूडेंट नए स्टूडेंट हैं और फ्रेशर हैं, कि आपको किस टीचर से पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, किस प्लेटफॉर्म से पढ़ना है, आपको ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफलाइन पढ़ना है, इस चीज़ें आपको जल्द ही अपने आप में इम्प्रूव कर लेनी चाहिए। और फिर साथ ही मैं बताऊँ, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, जैसे अंकित भाई सर ने ही बताया अभी कि वो होते किसी अलग स्टेट, जैसे मान चलिए उत्तर प्रदेश का कोई स्टूडेंट है, वो छत्तीसगढ़ का सर्टिफिकेट बनवा के, मूल निवास बनवा के, और वहाँ से फॉर्म डाल देता है, तो वो चीज़ें पकड़ में आ जाती है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो आपको इन गलतियों को नहीं करना है, और आप ऐसी गलती करेंगे तो आपके खिलाफ केस हो जाएगा, और फिर आपको हो सकता है जेल में डाल दिया जाए, फिर आपको कोई फाइन लगाया जाए। तो इन चीज़ों से सभी ज़िंदगी एक अलग मोड़ ले लेती है, और हमारे हो सकता है कभी कभी जॉब भी नहीं लगती फिर कभी, क्योंकि हमें एक फ्रॉड केस में अंदर जा रहे होते हैं। तो इन फ्रॉड तरीकों से बचना चाहिए, और अपने तैयारी को हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए और ईमानदारी से करना चाहिए। मान लीजिए आप अभी से एक फ्रॉड बना कर रहे हैं, तो आप जब आप जॉब पे लग जाओगे तो हो सकता है गवर्नमेंट सोचती है कि जब अभी से इतना फ्रॉड कर रहा है तो प्रशासन में चला जाएगा, तब भी फ्रॉड करेगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपको अपने अच्छे से तैयारी करनी चाहिए और अपने प्रति ईमानदार रहना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।